अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शजुन खान और मैं आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है गुड वाइब्स आमला शिका का शैम्पू। और आई विल जस्ट वॉश माय हेयर एंड आई विल बी राइट बैक। तो फर्स्ट टाइम बाल मेरे वॉश करने के बाद ऊपर की तरफ से जड़ों पे बहुत ड्राई दिख रहे थे और मैं ऊपर की तरफ बाल दिखा देती हूँ आपको। नीचे मैंने कंडीशनर अप्लाई किया हुआ था इसलिए इतना पता नहीं चल रहा था, बट ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बाल बहुत ड्राई दिख रहे थे और नीचे थोड़ा सा लस्टरस दिख रहा था। तो आज भी मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं किया है और अगर मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। सो आई विल बी टेकिंग 4 pumps ऑफ दिस शैम्पू। काफ़ी थोड़ा थोड़ा निकलता है तो मैंने 4 pumps लिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा पैराशूट ऑयल डालूँगी, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। इस तरीके से आपके बाल थोड़े से लस्टर दिखते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं और बाद में अगर आप सीरम नहीं भी अप्लाई करेंगे तो भी अच्छा दिखता है बाल। सो दिस इज़ अ रियल हैक दैट आई यूज़। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ वॉशिंग माई हेयर विद द शैम्पू, गुड वाइब शैम्पू। और टुडे आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग मच हेयर फॉल। आज बहुत नेग्लिजिबल सा हेयर फॉल हुआ है एंड दैट इज़ ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शजुन खान और मैं ऑलरेडी इस के बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। दिस इज़ गुड वाइब्स प्रोडक्ट आमला शिका का स्ट्रेंथनिंग शैम्पू और इसे मैंने अभी दूसरी बार यूज़ कर लिया है। आई हैड अ डाउट कि ये मुझे हेयर फॉल कॉज कर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है इसकी वजह से, बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे बस शक था तो मैंने आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लेरिफाई दैट, इसकी वजह से मैंने तुरंत इसका रिव्यू नहीं बनाया था। और अभी मैंने सेकेंड वॉश जब कर लिया है तो आई एम श्योर दैट इसकी वजह से हेयरफॉल नहीं था, थोड़ा बहुत हेयरफॉल था बट दैट इज़ फाइन। और ये इसका नेट वॉल्यूम है 200 ml और ये नो पैराबेन, क्वालिटी फ्री है। तो इस पे लिखा क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, इसका यूज़ करने का क्या प्रोसेस है। सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दैट। पंप आउट बोटैनिकल गुडनेस इन योर पाम, स्टेडीली एंड स्मूथली मसाज इट ऑन योर स्कैल्प एंड across the length of your hair for a couple of minutes. Rinse away with lukewarm water and go flaunt your smooth locks. मेंशन की गई है दैट आपको ल्यूकॉम वाटर के साथ बाल धोना है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपके बालों में अगर रह गई तो आपको कुछ इशू दे सकती है यूजुअली, क्योंकि किसी भी अगर आपको पता होगा तो शैम्पूज पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, सो दैट माइट बी द रीज़न। और इस पर लिखा हुआ है बी केयरफुल ऑफ कॉन्टैक्ट विद आईज, दे वॉन्ट लाइक इट, रिंस थरली विद वाटर इन केस दैट हैपन्स। नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स मे बी इरीटेटिंग टू सम पीपल, ऑलवेज कंडक्ट अ पैच टेस्ट बिफोर यूज। नेचुरल इन्ग्रीडियंट में चेंज कलर हुआ पीरियड ऑफ टाइम, दिस डज नॉट अफेक्ट। तो यूजली कोई भी जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट के साथ प्रोडक्ट होता है इस पर आई थिंक सेम डिस्क्लेमर दिया होता है या फिर सेम लिखा होता है। तो इसमें है आंवला, आमला आपको सबको पता है आमला और शिकाकाई मतलब बहुत पुराना चीज़ है जो बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स दोज थिंग्स। तो पहले दिन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, बट आई एम श्योर कि अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे ऐसा था कि मैं एक दो बार इसको यूज़ कर लूँ उसके बाद ही आपको रिव्यू दूँ, बिकॉज एक बार में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता बालों पे कि कैसा दे रहा है। मैंने इसके क्लिप्स बनाए हैं कि फर्स्ट डे में कैसा रिएक्ट कर रहा था। फर्स्ट डे इट वाज मेक इट मेड माय हेयर लाइक रियली ड्राई। मैंने बिना ऑयल के यूज़ किया था फर्स्ट टाइम भी, तो बहुत ज़्यादा बाल मेरे ड्राई हो गए थे, बट सम हाउ इट वॉज फीलिंग रियली सुपर क्लीन और थोड़ा सा लस्टर था बाल में, बट इट वॉज़ ड्राई। मतलब शुरू में जब मैंने सुबह को बाल धोया था तभी वो 4-5 घंटे तक इट वॉज लुकिंग सो डैम ड्राई, पूरा बाल ऐसे ऊपर उठा उठा दिख रहा था, इतना ड्राई दिख रहा था। बट आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया कलर, उसका टेक्स्चर जो था थोड़ा नॉर्मल होने लगा और सेकेंड डे बाल मेरे बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो आज मैंने मैंने एक दिन छोड़ के वो वॉश किया था और अभी मैंने वापस एक दिन छोड़ के मैंने आज फिर वॉश किया है और मेरे बाल थोड़े से बेटर दिख रहे हैं। मैंने आज इसको जो मैं यूजुअली करती हूँ, बिकॉज मेरे हेयर नेचुरली बहुत ड्राई हैं, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं ऑयल में थोड़ा सा ये शैम्पू में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और फिर उसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो उससे मेरे बाल थोड़े से
आप देख सकते हो इस तरीके से दिखते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट और इसका अमाउंट कुछ आई थिंक ये मुझे मिला है 225 रुपीज़ का है, बट मुझे डिस्काउंट पर 200 या समथिंग का कुछ मिला था। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्यूरीफाइड वाटर, सोडियम लॉरेल इथर सल्फेट, जो सल्फेट फ्री नहीं है, और आमला एक्सट्रैक्ट है, शिका का एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रोलाइज्ड कैरेटीन है, पायरस मोलस फ्रूट एक्सट्रैक्ट, एप्पल साइडर विनेगर, सेलेंडुला ऑपिन्स फ्लावर ऑयल, हाइड्रोक्सिड कॉर्न प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न प्रोटीन, हाइड्रो व्हीट प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज्ड सोय प्रोटीन है, एलियम कैपा बल्ब एक्सट्रैक्ट, एलो लीफ एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे सारे हैं, इसमें थोड़ा सा परफ्यूम भी है, अल्कोहल भी है। तो दीज आर द इंग्रीडियंट्स, आई होप आई रेडी ट्राइड। मैंने बहुत सारे इंग्रीडियंट्स नहीं पढ़े बिकॉज मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा था। तो दीज आर द थिंग्स, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। ये मतलब वाओ शैम्पू भी अच्छा है, बट इट्स जस्ट दैट इट इज़ लाइक लिटल ऑन हायर साइड। और उसका कुछ 300 ml प्रोडक्ट था, ये 200 ml प्रोडक्ट है। और ओवरऑल मुझे वो प्रोडक्ट, अगर आप बिना ऑयल के यूज़ करें और आपके बाल थोड़े नॉर्मल है, दैट विल डेफिनेटली वर्क ऑन यू, अच्छा प्रोडक्ट है। बट इसके साथ अगर आपके ड्राई बाल हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट डे, क्योंकि इट कैन मेक योर हेयर रियली ड्राई। अगर आपने ऑयलिंग करके की है, बाल वॉश किया है, देन इट विल बी फाइन, अदरवाइज इट विल मेक योर हेयर ड्राई। बट हाउ एवर, आपके बाल जो शैम्पू का काम होता है क्लीन करना, वो क्लीन कर देता है, और अच्छा शैम्पू है ओवरऑल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली आई विल कंसीडर टू रीपर्चेज दिस प्रोडक्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। ओके गाइज, मुझे आई होप आप लोगों को छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो। आप लोगों को अगर ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है आती रहे। ओके बाय।